अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। बाकी लोकेशन इतनी खतरनाक है के ये पेट देखो आप, पूरा पानी से भरा हुआ है ये। ये इतनी हॉन्टेड लोकेशन है दोस्तों के दिन में भी यहाँ कोई बंदा नहीं आ पाता, कुछ एक लोग ही। तो इसीलिए मैंने ये लोकेशन चूज की है और यहाँ 100% ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है। चार बंदे हम यहाँ पे आए हैं, दिखा देता हूँ एक बार, फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको सभी की। ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस जगह पे यहाँ पे भूत है, आत्मा है, शैतानी, कुछ हवाएं हैं। केवल लोग बाग नहीं मानते कि मनोज भाई वाकई में ऐसे लोकेशन पे जाता है या नहीं, उस हिसाब से। ये हमारे दूर के मित्र हैं, ये नहीं मानते के, तो इसलिए आज ऐसी लोकेशन पे इनको साथ लेके आया हूँ कि वाकई में चलो मेरे साथ। और मनोज भाई कहाँ विजिट करता है रात को, आधी आधी रात को, वो आपको पूरा देखते हैं। और इनको पहले ही मैंने एक बात बोल दी है कि लोकेशन पे अगर कुछ भी आपके साथ कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों आपको एक बार, दोस्तों देखने में इतनी खतरनाक, और जो आसपास के गांव वालों ने जो बताया उस हिसाब से जो भी होगा बिल्कुल क्लियर होगा, आपके सामने होगा, कुछ होगा वो सामने होगा। और जो भी होगा रियल होगा बिल्कुल। दोस्तों इधर कुछ तहखाना टाइप में लग रहा है, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों ऐसे लग रहा है इस लोकेशन को देख के बरसों पहले, देखो तहखाने के अंदर तहखाना बना हुआ है। देखते हैं दोस्तों के अभी तक तो हमें कुछ ऐसा लगा नहीं यहाँ पे कि कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ है जो लोगों ने अफवाह बना रखी है कि
भाई लोकेशन तो देखने में हॉन्टेड है, बाकी ऐसा कुछ अभी दिखा नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जो लोगों ने अफवाह बना रखी है ना कि सर कटा इंसान दिखता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई थोड़ा सा लाइट नीचे कर दे, कई हो है लाइट डाउन कर, कई है कि हाँ कटे कटे खुनो देख रही है ना वो बम्बू लाड़ो। हाँ बोटा सब मनो कुछ यार लाइयो ले, चल चल करना ले, करना करना हाँ ले, हाँ पुरती वा आजा आजा पुरती वा। देखो दोस्तों कुछ हल्का सा एहसास हुआ है, अब पता नहीं के भाई कट लागियो भाई, नो टेंशन है काई हो काई दिखियो कुछ नहीं ऐसा। एक बार लाइट बंद करो वो देखो है कटे 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 आई आवाज भी आ रही है कि हाँ मंदी दिख रही है, कैमरा में नहीं आ रही भाई, मंदी मंदी दिख रही है कटे बता मुझे वो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ वहाँ छोड़ो, इधर आ जाओ रहने दो, देखो अठू देखो अब देखो हाँ ओ देखो भाई देखो ये बम्बूल का ये पॉइंट पर देखो बेटा शर्मा जी। हाँ अब बताओ, केवल लोकेशन को क्लियर करना है। बिल्कुल राइट, सुनो देखो अगर आपको भी कुछ दिखे ना हाँ मैं बोलूंगा बता देना, ठीक है ना, लोकेशन क्लियर करनी है अपने को, ठीक है ना, राइट आ जाओ। यहाँ घोड़े बनते थे दोस्तों, ये जो राजा महाराजा जो होते थे ना उनका जो घोड़ों का अस्तबल होता था ये वो है। अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं पूरा। ओ भाई 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 भाई, भाई। दोस्तों चमकादड़ थी दोस्तों। अब किसी को लगा हो या नहीं लगा हो लेकिन जैसे ही मैं इस लोकेशन पे मैंने कदम रखा तो मेरे को कुछ अजीब थोड़ा सा लगा, बाकी इतना अंदर आने के बाद ऐसा कुछ ही प्रतीत हुआ नहीं, दिखा नहीं, बाकी लोकेशन देखने में बहुत ही हॉन्टेड के यहाँ आना, मतलब के समझ लो कि अगर दो चार बंदे भी आए ना तो एक अंधेरे की जो साया होता है ना उसमें डर के मर जाए, ऐसी लोकेशन बहुत ही खतरनाक। और एक चीज जो गांव पास में गांव पड़ता है अपने ये डूंगर क्या ये क्या नाम भाई गांव का नाम क्या ये डूंगरपुर के पास है नहीं वो गांव का नाम क्या है रोहिला गांव के जो लोगों को पूछा जानकारी ली हमने तो उन्होंने कहा कि इसी लोकेशन के आसपास में मत जाना क्योंकि यहाँ इतनी खतरनाक एक्टिविटी, एक सर कटा इंसान बिल्कुल आपको मिलता है। और लेकिन दोस्तों अभी कुछ ऐसा कुछ ही मुझे लगा नहीं, बाकी देखने से लोकेशन आप देख रहे होंगे कि कितनी हॉन्टेड है ये और बहुत बड़ी लोकेशन ही है। भाई किसी को आइडिया ये क्या है, ये चीज़ ये शावर था कुछ इसी टाइम में, ये राजा महाराजाओं का जो था फ्लावर, मैं आपको ये दिखा दूं यहाँ से क्लियर करके दोस्तों। अभी तो एक चीज में बता दूं, ये है हमारे सामने आशीष भाई किसी टाइम, और ये पड़ोसी गांव से ही है जो हमारे किसी दोस्त के मित्र हैं, इनको मैं साथ लाया हूँ और ये बताएंगे यहाँ की जानकारी कि ये क्या चीज थी। ये देखो आप यहाँ पे फ्लावर था, यहाँ पे शावर था पहले ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है आपको ये पाइप का पॉइंट है, यहाँ से पानी निकलता था, ये शावर था। ये डिजाइन देखो आप, और किसकी है, यहाँ से फुहारा चलता था, ये पहले बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजा के टाइम के था ये। दोस्तों मेरी अकेले आने की यहाँ हिम्मत नहीं थी क्योंकि अफवाह है कि किसी ने बोला है कि यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा,
मेरे अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है कि यहाँ आना मतलब लोग, मैं नहीं, लोग बोलते हैं कि यहाँ आने का मतलब कि वहीं पे स्वा हो जाओ, स्वा का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो जब हम रात को लेट जाते हैं तो हमारे घर वाले जब चिल्लाते हैं, निकाल देते हैं, तो हम खुद यहाँ पे आके सोते हैं। भाई तो एक बार बताओ, आपको कभी, जैसे आप तो पड़ोसी गांव के ही हो, तो आपको कभी लगा क्या के आप कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे लोकेशन? हमारे पड़ोस में ये मतलब हमारे गांव का एक हिस्सा नहीं है। कभी भी लगा क्या आपको कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे? तो फिर गांव वाले जो आसपास के लोग बोलते हैं वो सब झूठ है। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या गिरा भाई? भाई 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 ये क्या है? ये पक्षी था, है एक छोटा सा पक्षी। कहाँ है भाई पक्षी, कहाँ है ये? यहाँ से उड़ के और इधर गया है। तो एक भी नहीं है, क्योंकि अपनी लाइटें जल रही है जंगल में क्या? तो भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट सवाल मेरा, कि ये जो कुंड बना हुआ है पास में, तो यहाँ कोई इंसान मरा हुआ है या ऐसे ही कुछ बोलते हैं? नहीं रियल बताना भाई, रियल रियल, इधर इधर सामने देख के बताओ। हाँ रियल रियल बताना, रियल बताना, कितनी मौतें हो रखी है या क्या है क्या नहीं? जो बिल्कुल जैसा कि एक पुराने जमाने में एक चलता था, चलन था कि रस्से से पानी खींचना, ठीक है? तो बहुत सी बार क्या होता था कि रस्से से पैर, रस्सा जैसे अपन खींच रहे हैं, रस्सा पैर में आ गया, उसी के ऊपर अपना पैर है और एकदम से अपने हाथ से छूट गया, तो उसकी वजह से अगर मौत हुई है तो कम से कम 3-4-5 मौतें तो यहाँ पे हुई है ना। और इसकी गहराई कितनी होगी जो ये कुंड बना हुआ है इसकी? इसका आज तक किसी को पता नहीं है। गहरा तो है नहीं इसका मतलब है ना? हाँ, इसका आज तक किसी को पता नहीं है। तो मौतें हुई है काफी, हाँ, है ना? काफी मौतें, ये तो पक्का है ना? हाँ। लेकिन जी यहाँ पे जो अंधविश्वास जो है, मतलब एक अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते, होता है बहुत सी जगह भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी हॉन्टेड वो नहीं है। लोकेशन को देख के कुछ भी अगर लगा हुआ 1% भी तो ऐसा कुछ नहीं, जगह बहुत अच्छी है। भाई नहीं, भाई यार नहीं, नहीं भाई यार सही बताओ यार, भाई कुछ तो हो रहा है यार यहाँ पे, ये अपने थोड़ा कुछ से आज... भाई आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ भाई इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, चलो भाई चलो चलो भाई चलो भाई भाई यार ये जो ये कुछ ये आज ही देखा है हमने। तो भाई कुछ तो है यहाँ पे यार, कुछ हमने ऐसा देखा नहीं था। नहीं तो ये क्या चीज है ये, है भाई कुछ तो अब, हाँ, अब, है कुछ। आशीष भाई हमारे को लगा, आशीष भाई सही बताओ, झूठ मत बोलना यार, झूठ मत बोलो, वाकई में हमने देखा है कुछ ऐसा, लेकिन प्रतीत तो होता है नहीं तो, लेकिन परेशान करने वाली ऐसी कुछ वो नहीं। तो कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ यार, फिर आप साफ बताते ना यार भाई, यार भाई फिर यार निकलो यार भाई यहाँ से, भाई निकलो भाई, दिखा दी नहीं, जैसा कि मैंने भी बोला था अभी कुछ समय पहले, उस दीवार पे मुझे कुछ प्रतीत हुआ था, तो मैंने बोला था इस बारे में। ओ भाई आ जाओ, निकलो यार यहाँ से भाई निकलो। तो आशीष भाई ने भी कुछ बातें हमसे छुपाई है, पता नहीं किस लिए छुपाई है वो हमें पता नहीं, बाकी कुछ एक्टिविटी जरूर हुई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, इतनी आधी आधी रात को इतनी हॉन्टेड है या नहीं, लेकिन कुछ एक्टिविटी जरूर हुई है। तो भाई पहले यहाँ से निकलो यार भाई, दोस्तों निकलते हैं, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय भारत, जय हिंद।